हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रायल्स ट्यूब या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब होता क्या है। रायल्स ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब और रायल्स ट्यूब होता क्या है। नेजो प्लस, नेजो मींस होता है नोज, गैस्ट्रिक मींस होता है स्टमक, गैस्ट्रिक मींस होता है स्टमक। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब मतलब एक ऐसा ट्यूब जो नोज से लगे और गैस्ट्रिक तक पहुँचे, यानी कि स्टमक तक पहुँचे। ऐसा ट्यूब हो जो नोज से लगे और गैस यानी गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक तक पहुँचे, उसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। इंट्रोडक्शन है, यह एक प्रोसीजर है जिसमें ट्यूब को नोज में इंसर्ट कर स्टमक में पहुँचाते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, वह कोई खाने पीने में कोई अनेबल रहता है, किसी वस्तु को खा पी नहीं सकता है, तो उसको नाक के थ्रू ही डायरेक्ट उसको पेट में दिया जाता है। इसे ही नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब या रायल्स ट्यूब कहते हैं। पेशेंट होते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पॉइजन खा लेते हैं, तो उनका इसी से इंजेक्ट करके बाहर निकाला जाता है रायल्स ट्यूब से। मेन पर्पज होता है ट्यूब फीडिंग कराने के लिए गैस्ट्रिक गावेज। जैसे कोई पेशेंट नहीं खा पी रहा है तो उसको नोज से पेट में देते हैं डायरेक्ट, गैस्ट्रिक में स्टमक में देते हैं, तो उसको गैस्ट्रिक गावेज कहते हैं। और गैस्ट्रिक सक्शनिंग ऑन इरिगेशन। और कोई व्यक्ति है कुछ वस्तु या जहर खा लिया है तो उसके स्टमक में पहुंच गया है, तो उसको स्टमक में डालकर नोज से ही इंजेक्ट करके बाहर निकाल लिया जाता है, जिसको गैस्ट्रिक लावेज कहते हैं, या कुछ लोग गैस्ट्रिक लावाज पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक गावाज। इसका साइज होता है एडल्ट में 16 टू 20 और चाइल्ड में होता है 10 टू 14 और इन्फेंट में होता है 4 टू 10। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।